हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये देखिए, देखो ये क्या कर रहा है। इसको ना अब क्या करना होता है, ये खुद से ही साइकिल उठाता है और अपने आप बैठने की कोशिश करता है। सो ही इज़ ट्राइंग। और थोड़ी देर साइकिल पे कोशिश करी इसने, और उसके बाद एक्चुअली मैंने उसको नहाया क्योंकि दोपहर हो गया था और आज हमें था जाना कहीं। सो मुझे हृदय को रेडी करना था, सरप्राइज़ है इसके लिए भी और आप सबके लिए भी। और यहाँ पे अभी हृदय के चल रहे हैं टेंट्रम्स। एक्चुअली मेरे को बोल रहा है मम्मा मेरी फ़ोटो खींचो, और मैं इसको बोल रही हूँ कि जल्दी जल्दी से आप खाना फिनिश करो फिर हमें निकलना है, बट नहीं, इसको अभी मस्ती करनी है। ये देखिए कैसे लेटा है, गुस्से में लेटा है। और क्योंकि इसको फ़ोटो सेशन कराना है अपना, और फाइनली मैं इसको फ़ोटोशूट कर रही हूँ। और यू नो, देखिए ये नए नए स्टाइल में पोज दे रहा है उसको बहुत अच्छा लगता है फ़ोटो क्लिक कराना। और ये फिर बाद में देखता है, अच्छा मम्मा दिखाओ, यू नो, उसको बहुत अच्छा लगता है। और फाइनली हम पहुंच गए हैं हृदय के डैडी के पास। वो हमारा कर रहे थे वेट, और हृदय अपने डैडी से मिला है आफ्टर 11 मंथ्स। उसकी डैडी फाइनली घर पर आए हैं। सो यही था हृदय के लिए सरप्राइज़ और आप सबके लिए भी। और फाइनली हम तीनों 11 मंथ्स के बाद साथ हैं। एंड बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है ये हर बार जब भी यू नो हृदय के डैडी आते हैं शिप से। बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट होता है, मतलब खुशी वाला, एंड जब जाते हैं तो यू नो सैड वाला इमोशनल मोमेंट होता है वो हमारे लिए। सो हृदय थोड़ा सा शाय है बट पहचान लिया है और बस गले से चिपका है अपने पापा के। और डेफिनेटली उसने पहचान तो लिया है बट अभी कुछ बोल नहीं रहा है। सो गाइस, ये बहुत टाइम बाद ये मोमेंट आया है। सो आज ये बहुत खुशी का दिन हमारे लिए। फाइनली हृदय अपने डैडी के पास है, बहुत मिस करता था इनको। सो फाइनली डैडी इज़ बैक। और मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।